इससे ऊपर स्टोर रूम होता है जिसका जाने का रास्ता यहाँ से होता है। ये होता है निंजा हथौड़ी वाला घर है। Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, we're animals, like animals. मैं YouTube चैनल आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरी रोड ट्रिप है बागेश्वर की तरफ। मैं आज जा रहा हूँ बागेश्वर घूमने के लिए, तो घर वाले सब मुझे बाय कर रहे हैं। बाय। तो ठीक है तो भाई चलते हैं, बैग अपना हो गया पैक, गार्ड पैक के जाते हैं। और बुआ यहाँ है, मेरी बुआ हाँ, बाकी पीछे दादी है, इधर मम्मी लोग हैं, भाई लोग हैं, सारे भाई बहन हैं। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। रूड ही बहुत लंबा है क्योंकि पहले मैं कैमरा पूरा एडजस्ट कर लेता हूँ अपना। तो पहले फैक्ट्री जाते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और निकलते हैं। यहाँ से हेलमेट पहनेंगे नहीं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं भी नहीं। बाकी रख लेता हूँ, रखने काम है। तो निकलते हैं, बाय बाय। चलो भाई मिलते हैं, प्रणाम सबको। तो भाई निकल गया हूँ मैं फाइनली घर से अपने, और फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। और बागेश्वर को रोड ट्रिप है हमारा, तो आते समय ओम भाई आएंगे मेरे साथ। और तो यहाँ से निकल रहा हूँ, तो कैमरा हो जा रहा है फिर उसके बाद एडजस्ट कर लेता हूँ। आ गया हूँ तो यहाँ से लेता हूँ थोड़ा कैब, वापस से लेके थोड़ा कैश लेता हूँ और तेल डालता हूँ। उसके बाद निकलने सीधा हम बागेश्वर की तरफ। तो होप फॉर अ बेस्ट, हमारी पहली ट्रिप है भाई, ये रोड ट्रिप मेरी पहली है, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी जाए रोड ट्रिप। फिलहाल अभी जाता हूँ पंप की तरफ और तेल डला के हम निकलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं काठगोदाम, तो फिलहाल निकलते हैं, हमें घूमताल होते हुए जाना पड़ेगा, तो निकलते हैं। Few moments later. मैं भीमताल पहुंचने वाला हूं और उसके बाद मेरे को थोड़ा रोड साइड क्रॉस करके फिर मेरा बागेश्वर आएगा। और बहुत लंबा रास्ता है, जो कहता है रोड ट्रिप बहुत इजी होता है, बहुत थक टफ है यार भाई। बाकी बाल सेट हो रहा है, अभी सेट कर रहा था और बाकी भी उतरा था, अभी रुका तो अभी रुकते हैं थोड़ी देर पे चलते हैं। इसमें आगे खेड़ना, और ये देखिए पीछे मेरे नदी है। और बाकी यहाँ पे हाई मतलब हाईवे टाइप का था, जो पिछली बार डिजास्टर जब आया था, पानी की फ्लड आई थी, उसमें पूरा बह गया है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रुकिए कैमरे से देख सकते हैं। ये पूरा फ्लाईओवर था और क्या कहता है हाईवे था, यहाँ से पूरा फ्लड आई, पूरी नदी आई थी जो अभी बहुत कम है, उस समय आई थी, पूरा तहस नहस कर गई। और बाकी अल्मोड़ा का व्यू है। तो फिलहाल अपना सफ़र बहुत लंबा है, हमें बहुत आगे तक जाना है। रुकेंगे नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर चलते हैं वापस, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं टाइम से पहुंच जाए। तो गाइस चल रहे हैं, बाकी आप व्यू देखिए गाइस, यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं अल्मोड़ा पहुंचने वाला हूं और फिलहाल मैं आपको बैक से दिखाता हूं कैसा सीन है पहाड़ का। यहाँ से होने वाली ऑफ रोडिंग,
तो गाइस हम पहुंच गए हैं खैरना के मार्केट, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्रॉस करके फिर हम बागेश्वर पहुँचना है गरुड़ में। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं, कोई पांडे वहाँ पे। यहाँ से अल्मोड़ा 4 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा में पीछे क्रॉस कर लिया है और मेरे को जाना है गरुड़। तो फिलहाल दो रास्ते जाते हैं अल्मोड़ा को, एक इस तरफ का है, एक इस तरफ का है। तो मुझे जाना है नीचे की तरफ, और थोड़ा जर्नी है, जाते जाते 40 किलोमीटर है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, ओम भाई से मिलने जा रहे हैं, चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पहुँच गया था अपने दोस्त के वहाँ, ओम के वहाँ। और फिलहाल रात को मेरे को बहुत अंधेरा हो गया था, 9 बजे मैं अप्रोक्सली पहुँचा हूँ। और फिर मुझे उसके बाद हिम्मत नहीं है, बहुत थक गया था व्लॉगिंग करने की, तो फिलहाल मैंने उसके बाद व्लॉगिंग नहीं की। तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं बागेश्वर गरुड़ में, और बाइक मेरी नीचे खड़ी है। और फिलहाल थोड़ा बहुत कोहरा हो रहा है यहाँ, और कल रात यहाँ बारिश भी बहुत हुई थी, तो मुझे आते समय बहुत तकलीफ हो रही थी। भले मान के चलो आप, रोड में से भाप उड़ रही थी। तो अभी फिलहाल तैयार होते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा है बागेश्वर। मेरे तो पहली बार आना हो रहा है बागेश्वर, मैं आज तक आया नहीं हूँ। और हो सका तो बद्रीनाथ टेम्पल भी जाएंगे उस, तो देखते हैं, चलते हैं। और ओम भाई अभी उठ रहे हैं। और बाकी अगर ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूंगा, और इसके बाद दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, चलिए। जैसे पुराने ज़माने के पहाड़ों के जो घर होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। मेरे सामने देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ। बाकी ओम भाई का भी पुराना वाला घर है, मैं उसका अंदर दिखाता हूँ वो कैसा होता है। रुकिए, हमारे ओम भाई है हमारे, और छड़े मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, मतलब पहाड़ी घर जो पुराने होते हैं वो कैसे होते हैं दिखाता हूँ। तो इससे ऊपर स्टोर रूम होते हैं, जिसका जाने का रास्ता यहाँ से होता है, ये होता है निंजा हथौड़ी वाला घर है। बाकी ऊपर स्टोर रूम है, और बाकी जो नीचे होता है वो गोबर की, गोबर से लिपा जाता है, गोबर लाल मिट्टी, गोबर और लाल मिट्टी से लिपा जाता है। अभी हम जा रहे हैं गरुड़ की तरफ, क्योंकि वहाँ ओम के बुआ की शादी है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, और ओम भाई पीछे हैं, आ रहे हो तो ओम भाई आते फिर निकलते हैं। ओम भी आ गया है, तो चल रहे हैं यहाँ से। मैं आपको बाकी दिखाता हूँ कैसी जगह है। ये है भाई के घर का एंट्रेंस, बाकी यहाँ से नीचे रोड जाती है और अपने को यहाँ जाना है। बाकी यहाँ अगल बगल देख सकते हो आप, जो पहाड़ में कहते हैं बिच्छू या शिशौर, उसके पेड़ हैं, और ये लग जाएंगे तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। बाकी जगह बहुत अच्छी है, कोहरा हो रहा है, और अपनी बाइक वहाँ खड़ी है दरवाजे के अंदर, क्योंकि हम नीचे की तरफ ले आए थे यहाँ से बाइक, इस रोड से नीचे को ले आए थे, क्योंकि रिस्की था रोड साइड रखना। तो अभी चल रहे हैं अंदर की तरफ जहाँ बाइक रखी है, तो चलते हैं। और ये घर है बंद, क्योंकि ओम के रिलेटिव का ही घर है, ये लोग हल्द्वानी साइड या कहीं बाहर साइड ही रहते, तो यहाँ कम ही आते, इसलिए हमने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी थी। तो ये खड़ी अपनी लीवो, गंदी हो गई कल रात, देखो आप पूरी ऑफ रोडिंग करते आया तुम्हारा भाई। तो अभी चलने स्टार्ट करते हैं इसे। हम पहुंच गए हैं गरुड़ के मार्केट में, गरुड़ ना, हाँ गरुड़। और बाकी आप व्यू देखते हैं, सुबह का बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखिए आप, ये इस तरफ नदी बह रही है, ये नदी कौन सी हो पता गया, ये वो होगी बैजनाथ की नदी है, बैजनाथ की नदी, बैजनाथ की नदी है, नदी है बैजनाथ की नदी है। और क्या कहते हैं, हम हो सका तो बैजनाथ मंदिर भी जाएंगे, पक्का जाएंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो जाएंगे जरूर। और भोले मेरे गाइस जल्दी 100 सब्सक्राइबर पार होने वाले हैं, तो फैक्ट्री का व्लॉग भी डालूंगा मैं, चिंता मत करना। बाकी गाइस जो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाकी हम जा रहे हैं बागेश्वर की तरफ, और ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ फिलहाल। ये पुल दिखाता, पुल है यहाँ का, पुल हमने क्रॉस कर दिया है। अब ताल दिख रही है यहाँ से, हो सका तो बोटिंग करने भी चलेंगे भाई। क्या वीडियो बना रहे हैं, हम जाएंगे बोटिंग करने, ये ओम जोशी पागल है। बाकी ताल यहाँ से क्लियर दिख रही है, क्योंकि ताल क्लियर
बाकी आप देख सकते हैं ये शायद यहाँ का मुख्य द्वार है। बाकी आप देख सकते हैं फ़ोटो बड़ी सही लग रही है। तो यहाँ हम फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं बैजनाथ में।